इसके लिए लाभार्थियों को जोड़ेगी 5 से 7 बूथों तक क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त किया। इन सीटों पर जेपी नड्डा, अमित शाह होंगे दौरे, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं के होंगे दौरे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता बढ़ाने की पहल, लोकसभा सीट पर मतदाता बढ़ाने के लिए चलेगा अभियान। मतदाता अभियान के लिए 22 अगस्त से होगी बैठक, सभी जिला अध्यक्ष को अध्यक्षों की होगी 22 अगस्त को बैठक। तो पर जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के दौरे होंगे, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं के दौरे होंगे। भाजपा हारी सीटों पर जीत के लिए योजना बना रही है हमारे संवाददाता संजय चौहान। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संजय। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही रणनीति बनाने में आगे रही है और यही वजह है कि लगातार जनता उसे मैंडेट देती रही है। ऐसे में बीजेपी हारी हुई सीटों पर योजना तैयार कर रही है, जिन सीटों पर लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, सच में बताऊँ 2024 का की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही ना हुई हो, लेकिन सभी दल अब लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और खास करके उन सीटों पर विशेष फोकस है जो विपक्ष के पास है। 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास हैं, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास बची हुई है और महज 1 सीट कांग्रेस के पास। तो कुल मिलाकर के ये 14 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से नज़र बना के रखी हुई है। यही वजह है कि अब इन सीटों पर 5 से 7 बूथों को मिलाकर के एक क्लस्टर इंचार्ज बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो उन बूथों पर पूरी तरीके से नज़र रखेगा और सरकार की योजनाओं को जो लाभान्वित लोग हैं उनसे सीधे जो तारतम्य है बातचीत का वो बनाकर रखेंगे। बीजेपी ने एक बड़ी योजना ये बनाई है, खास करके इन 80 सीटों के साथ साथ इन 14 सीटों पर विशेष तौर पर, कि जो केंद्र की 11 योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको, उनका जो डायरेक्ट योजनाओं का फायदा जिन लाभार्थी परिवारों को मिला है उनसे किस तरीके से संपर्क किया जाए, उनको उनके पास पहुँचा जाए, उन तक बातचीत की जाए और बताया जाए कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी ही क्यों खास देश में और प्रदेश में रहने वाली है, उन तमाम लाभार्थियों के बीच पहुंचने का पूरा प्रयास जो है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते करेगी। साथ ही साथ जो मतदाता सूची है उसमें बूथवार नाम कैसे बढ़ाए जाए, जो नए नाम आए हैं, जो नए मतदाता बनने की ओर हैं, जो यूथ हैं, जो पिछली बार छूट गए थे उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, जो बाहर रह रहे थे वो वापस आए हैं और जो यहाँ से वापस गए हैं उनको कैसे अन्य जिलों में अगर उन्होंने शिफ्ट किया है अपने आप को तो वहाँ कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विशेष फोकस होगा। इसको लेकर के कल 22 तारीख को एक बड़ी बैठक जिला अध्यक्षों की भी की जाएगी। साथ ही साथ उन सीटों पर विशेष फोकस होगा और यही वजह है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन गडकरी जो कहीं ना कहीं भाजपा के बेहद अनुभवी नेताओं में कहे जाते हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनकी भी रैलियाँ इन जनपदों में, इन लोकसभा सीटों पर लगाई जाएगी, जिससे कि कोई कोर कसर ना बची रहे। संजय, 5 से 7 सीटों पर क्लस्टर बनाकर नियुक्ति की गई है, यानी कि आपने सही कहा, ऑफिशियली ऐलान तो 2024 का अभी 2024 के चुनाव का नहीं हुआ है, लेकिन लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा से मजबूत रही है और देखिए अभी से 5 से 7 सीटों पर संजय क्लस्टर बना करके नियुक्ति की गई है। हारी हुई सीटों पर फोकस ज्यादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी प्रकार से जो उनका लक्ष्य है इस बार वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूपी है ऐसा ही स्टेट है जहाँ से ज़्यादा सीटें बीजेपी 14 में हो, 19 में हो जीत के गई है, तो ऐसे में अगर यूपी हाथ से निकलता है तो फिर केंद्र की कुर्सी डगमगाएगी और उसमें दिक्कतें खड़ी होंगी उसमें काबिज होने के लिए, और यही वजह है कि अब यूपी पर विशेष फोकस है और खास करके वो 14 सीटें जिन पर कहीं ना कहीं विपक्ष काबिज है, तो 10 सीटें बसपा की, 3 सीटें समाजवादी पार्टी की और 1 सीट जो कांग्रेस के पास है उसको कैसे कब्जा किया जाए, चूँकि बाकी सीटें बीजेपी के पास है उनको बचाए रखने के लिए, और लगातार वहाँ पर आपने देखा होगा कि चाहे बौद्धिक वर्ग के 1000 लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी विधायकों और सांसदों को दी गई हो, कार्य योजनाएं और योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों को तक बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया हो या जनसंपर्क अभियान का लक्ष्य रखा गया हो उन सीटों पर रखा गया था, लेकिन विशेष सीटों को जो 14 सीटें हैं इस पर तमाम प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को 3-3 जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको याद होगा सुनील बंसल को पिछले
दिनों एक तीन जनपद अंबेडकर नगर, लालगंज और रायबरेली की बैठक करनी थी, उसके पहले पश्चिम में चार जनपदों की बैठक हो चुकी थी, पूरब में भी बैठक हो चुकी थी, तो ऐसे तमाम प्रभारी भी बनाए गए हैं और अब बूथ लेवल में माइक्रो लेवल पर किस तरीके से काम किया जाए उसको लेकर के 5 से 7 बूथों पर क्लस्टर बना करके बूथ अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश संगठन जो जिम्मेदारी भेजेगा, जो संदेश भेजेगा, वो जन जन में पहुंचाया जा सके। संजय, आप बने रहे हमारे साथ और लोकसभा